अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो भाई 2023 स्टार्ट हो गया, पता नहीं मैं ठू ठू करके क्यों बोल रहा हूँ। 2023 स्टार्ट हो गया और आज नहीं कल का हो चुका था, आज तो 2 जनवरी है। और जैसे कि सबके गोल्स होते हैं कि हम न्यू ईयर से भी अपनी फिटनेस के ऊपर बहुत काम करेंगे, तो भाई मैं भी ज़रा शूज़ वगैरह पहन के निकल आया हूँ। जैसा कि हर साल के शुरू में जिम के अंदर इतना रश हो जाता है क्योंकि लोग ज़रा ताज़ा मोटिवेटेड होते हैं ना, तो इस तरह मैं भी मोटिवेटेड हूँ। मुझे पता है मैं हद कोई एक हफ्ता होगा, मैक्सिमम को एक महीना आ जाऊंगा, उसके बाद नहीं आ पाऊंगा। भाई टाइम निकालना मुश्किल होता है, ये पता है सारे बहाने, लेकिन अब कोशिश करूंगा जितना पैदल चल सकूं उतना ही चलूंगा। और इसलिए भाई बस यही सीन है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में। चेक करें आप स्मोक की क्या सूरत हाल है। जितनी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रीनरी है ना, आधे लाहौर का तो ऑक्सीजन यही प्रोवाइड करता होगा, चेक करें। लेकिन इतनी ग्रीनरी होने के बावजूद स्मोक की ये सिचुएशन है। अगर ये ग्रीनरी ना होती तो पता नहीं क्या हालत होती। खैर एनीवेज ये धूप निकली हुई है, दोपहर के 12 बजे अभी ये सिचुएशन है। कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ जैसे वो बैठा हुआ है, वो भाई ये वाला ये अपनी जानू मानू के साथ लगा है। इसके पास से मैं गुजरा था, कह रहा था जानू को मिस कर रहा है, क्योंकि भाई अभी यूनिवर्सिटी स्टार्ट नहीं ना हुई हमारी। यूनिवर्सिटीज हमारी स्टार्ट होंगी 8 जनवरी से, तो आज 2nd है। जो मोस्टली कुछ लड़के वापस आ गए हैं जो उधर हॉस्टलाइट्स हैं, उनको थोड़ी काम शाम है, तो मुझे भी थोड़े काम शाम है, तो मैं भी वापस आ गया हूँ। क्लासें तो हमारी होंगी स्टार्ट हफ्ते बाद। तो अभी मैं अकेला ही यहाँ पे ना, अभी मेरा कोई यहाँ पे दोस्त है, मसूद था, वो भी नहीं होता यहाँ पे, और भी कोई दोस्त नहीं यहाँ पे। तो एक हफ्ते तक बस ऐसे ही अकेले बियाबान में भटकता रहूँगा मैं। देखिए ये तमाम अलामत हैं स्मोक की जो इस वक्त हो रहा है मेरे साथ। ये मुर्गियाँ भी हैं यहाँ तो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। मुर्गी ठीक है भाई, मेरे आती भागी सारी। भाई यूनिवर्सिटी के अंदर चेक करें, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर ही फंसने। ये तमाम जितनी भी ज़मीन है ना हॉस्टल के साथ, ये तमाम उन्होंने ठेके भी दी होती है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड्स ग्रो हो रही हैं। ये जितने भी फील्ड्स हैं अभी हम जाके इनको एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर, ओ माय गॉड, क्योंकि कोई सांप वगैरह ही ना होस्तफ़रल्लाह। ये वही खारदार तार है, इसी तरह किन्ने लगा था मैं। अभी चेक करते हैं क्या क्या फंसने यहाँ पे। भाई ये है, ये क्या चीज़ है? अच्छा ये तो लहसुन उगाया हुआ है। मैंने घर में भी इस तरह काफ़ी गमलों के अंदर लगाए हुए हैं, मुझे बहुत शौक है इस तरह की छोटी छोटी वेजिटेबल्स ग्रो करने का। ओ माय गॉड, ये इस्लामाबाद जोन मेरा क्यों ऑन हो गया है? बर्गर जोन। तो भैया अब आगे जाके देखते हैं, खामोशी से जाना पड़ेगा। वो भाई सो रहा है। आई एम अलोन इन दिस वर्ल्ड, दिस शेडो इज़ ओनली माई फ्रेंड। भाई ये जो खाला है ना, अब इसको पता नहीं खाला ही कहते हैं क्या कहते हैं। यहाँ पे अक्सर जब भी गुजर रहा होता हूँ ना मैं, तो यहाँ पे मुझे टर्टल्स नज़र आते हैं। आज पता नहीं क्यों नहीं है यहाँ पे, शायद पानी नहीं है इसलिए। तो यहाँ पे आपको इतने टर्टल्स मिलेंगे ना, 2-3 दफ़ा तो मुझे यहाँ पे मिले। टर्टल्स क्या, स्नैक क्या, सांप क्या। सांप तो खैर आपको पूरी यूनिवर्सिटी में मिलेंगे, लेकिन जो ओरिजिनल जेन्युइन सांप होते हैं वो यहाँ पे नज़र आए थे, आते हैं अक्सर। एक दफ़ा तो हमारी क्लास से भी सांप निकल आया था, फिर उसको हमने बोतल में बंद करके तो फेंक दिया था, सड़ ले गए थे। फिर चलते हैं यहाँ से, बाकी कुछ सांप वगैरह ना निकल आए। कटा हुआ दरख्त, डिफॉरेस्टेशन, कितना स्मूथ कटा हुआ है। वो भी ऐसे ही काट के गई थी। टूटा हुआ साज हूं मैं। भाई काफ़ी हद तक स्मोक कम हो गई है, क्योंकि 1 बज गया है, धूप काफ़ी अच्छी निकल आई है। खैर सर्दी में सबसे बेस्ट टाइम एक्सरसाइज करने का, स्पोर्ट्स वगैरह करने का, ये दोपहर का। तो लगाते हैं हम भी कोई हिसाब किताब शुरू करते हैं इंशाल्लाह। खैर भाई 2022 गुजर गया, हमारे मुल्क में ने बहुत सफ़र किया है पिछले साल, हमारी इकॉनमी ने इतना सफ़र किया है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा हो गई थी। तो दुआ है कि ये 2023 हमारे लिए बेस्ट हो। ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में, क्योंकि पिछले दिनों एक खबर आई थी कि 7 लाख जो यंगस्टर्स हैं वो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है या हमारे लोग मेहनती नहीं है। अब मैं एक दिन आ रहा था, ये पिछले हफ्ते की बात है, रात 3 बजे एक जगह से वापस आ रहा था, तो मैंने ऊबर करवाई। अब ऊबर जो था मेरा राइडर था वो 2nd सेमेस्टर का लड़का था, स्पीयर यूनिवर्सिटी का। अब वो क्लासेस भी लेता था, पार्ट टाइम जॉब भी करता था, और रात कह रहा है मैं रात 4 बजे तक मैं ऊबर भी चलाता हूँ। तब वो मेहनत कर रहे हैं लड़के, चाहे मजबूरी में करें जो भी करें, एटलीस्ट कुछ ना कुछ कर तो रहे हैं ना। मेहनती तो हैं हम लोग। अब लड़कियों की बात करें, अब
बसों के अंदर जो बस होस्टेस होती हैं, अब कितने अजीब अजीब लोगों से इनका वास्ता पड़ता है, लेकिन जो भी है मेहनत कर रही हैं। अगर ये हमारे जो पोटेंशियल है इसको प्रॉपरली यूज़ किया जाए तो हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। ऐसे ही ना, जो भी चीज़ हमारे मुल्क के अंदर लैक करती है, चाहे वो लैक ऑफ लीडरशिप है, हमारे पोटेंशियल को प्रॉपरली यूज़ नहीं किया जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, या फिर कह लें कि प्रॉपरली लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जो भी चीज़ है अल्लाह पाक हर चीज़ को दुरुस्त करे, हमारे मुल्क पर अपनी रहमत बरसाए। और जैसे ये अंकल इंजॉय कर रहे हैं गाड़ी के पीछे, ट्रैक्टर के पीछे बैठ के, जितने सुकून से, माशाल्लाह, अल्लाह हर पाकिस्तानी को सुकून नसीब फरमाए, खुश रहें, आबाद रहें, नए साल में अच्छे अच्छे काम करें, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम।